पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा आज अपना धरना समाप्त कर दिया गया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार से यह पूछा कि उन्हें पूछताछ में क्या परेशानी है, आखिर वे सीबीआई की पूछताछ का सामना क्यों नहीं करना चाहते। इस पर पश्चिम बंगाल सरकार के एडवोकेट का यह कहना था कि सीबीआई द्वारा रविवार के दिन गैर कानूनी तरीके से राजीव कुमार से पूछताछ की जा रही थी, जबकि सीबीआई को पहले नोटिस देकर उनसे पूछताछ करनी थी और यही वजह है कि उस समय उन्हें सहयोग नहीं दिया गया। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि राजीव कुमार को सीबीआई की पूछताछ के समक्ष पेश होना चाहिए और उन्हें इस पूरी पूछताछ से कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। इसके पश्चात यह पूरा मामला लगभग समाप्त हो गया और इधर ममता बनर्जी ने भी इसे अपनी जीत बताते हुए कहा कि यह लोकतंत्र की जीत है और इससे जाहिर होता है कि मोदी सरकार पश्चिम बंगाल में किस तरह की स्थितियां पैदा कर रही है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे।